अलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन सोफियानी बिरयानी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरी स्टाइल में मैं बना रही हूँ और एकदम सिंपल और इजी रेसिपी, इजी तरीके से। तो चलिए मटन सोफियानी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त ले ली हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी ली हूँ। चर्बी लेने से थोड़ा अच्छा टेस्ट बढ़ता है। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे 1 वाटी भर के दही, है ना। दही को फेंकना वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप डाल दीजिए। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसमें, हाँ, कितना चम्मच, आधा वाटी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, यानी 3 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ इसके अंदर। अभी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के कच्चे पपीते का पेस्ट, है ना। इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरी आईडी में मौजूद है। अभी नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, है ना। अभी इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक कटिंग करके। तो ये मैं एक एक मुट्ठी ले लूँगी, बराबर। आप लोगों के समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया बेटा तेरे, समझ में आ गया। अभी इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च का पेस्ट। तो जैसे कि मैंने थोड़ा 10 से 12 हरी मिर्च ली हूँ, हम लोग तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिए हरी मिर्च। आप हरी मिर्च और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, है ना, बराबर। तो अभी ये डाल दी मैंने। अभी इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। हाथों की मदद से इसकी सारी बीज निकाल दीजिए और रस को डाल दीजिए, है ना। अभी बीज भी गिर गई, निकाल देती हूँ। चलिए अभी इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बूंद केवड़ा एसेंट, इससे खुशबू अच्छी आती है ना। और कच्चे पपीते का पेस्ट लगा के रखने से, चलो बाद में बताती हूँ। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शाह जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिरी और जायफल का 1 टुकड़ा ली हूँ मैंने, और जेवंतरी ली हूँ, है ना। इन सबको हम पीस लेंगे। इसके भूनना बिनना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसे पीस लेना है ना। थोड़ा थोड़ा सा सब ले लीजिए। तो चलिए जो हमारी हरी मिर्च की वाटी है, वही वाटी में खंगाल के उसी में पीस लेती हूँ। एक पाउडर बना के लेना है, सूखा पाउडर। तो आधा पाउडर तो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पाउडर उठा के रखेंगे, जैसे कि चावल वगैरह पे मारने के लिए। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करके काफ़ी मुझे थकान हो चुकी है। बकरा ईद से मैंने आराम ही नहीं किया ना, सिर्फ कंटिन्यू मम्मी काम कर रहे ना। तो चलिए अभी ये वीडियो तुमको एक दिन लेट मिलेगा। थोड़ा आसिफ भी आराम किया, मैं भी आराम की, उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो बनाने खड़े हो गए। क्योंकि हमारे बहुत व्यूवर्स लोग हैं जो हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं ना। सिर्फ कौन कौन वीडियो का इंतज़ार करता है कमेंट में बताना। तो अभी जो ये मसाला जो मैंने पीस के रखी है वो मैं डाल लूँगी 3 चम्मच भर के। इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, बहुत सिंपल ईजी तरीके से ये सोफियानी बिरयानी बन जाती है ना। सबका तरीका अलग अलग होता है सोफियानी बिरयानी बनाने का, है ना। मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो चलिए ये सब डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा हाथ भी पोछ लेती हूँ, प्याज वगैरह काट लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पाए का सालन जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी वो बचा हुआ है। तो मैं खाने को वेस्ट नहीं करती हूँ, कभी भी बच जाएगा तो मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ, दूसरे दिन भी खा लेती हूँ। तो चलिए अभी इधर पे मैंने एक टोप रखी हूँ गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं डाल लूँगी घी, जैसे कि 2 चम्मच घी डालूँगी और 3 से 4 चम्मच ऑयल डालूँगी, है ना। ये दोनों मिक्स करके गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें जाएगा 5 मीडियम साइज़ के प्याज, है ना। ये आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको कटिंग करना है आप कर सकते हैं, लंबे में, बारीक में, जैसा चाहे वैसे। अभी प्याज डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, खाली हल्का सा नरम कर लेना है। तो प्याज इधर पे नरम हो चुका है। तो चलिए अभी हमारा मटन निकाल लेते हैं। मटन बोलने की जगह पे बार बार चिकन ही मेरे मुँह में आ रहा है, क्योंकि मैं चिकन ज़्यादा बनाती हूँ ना, है ना। तो ये मटन हम डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को देखिए मैंने ज़्यादा लाल नहीं करी हूँ, खाली नरम करी हूँ बस, क्योंकि ये थोड़ी वाइट भी बनती है,
एक वाइट बिरयानी होती है वो अलग होती है, और ये सूफियानी बिरयानी होती है ये अलग होती है। लेकिन वो ये वाइट बिरयानी से इजी रहती है, इजी रहती है। वाइट बिरयानी में थोड़ा मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें मसाले बहुत कम होते हैं, इजी भी होती है और टेस्टी भी होती है। भी होती है ना। तो ये थोड़ा सा मेरा बर्तन में मसाला लगा हुआ था तो वो मैं खंगाल वंगाल के डाल दी। अभी इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे मीडियम गैस पे हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक का पका लेंगे, है ना। जैसे कि हाँ, गोश्त तो हमारा गल जाएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल गया था क्योंकि मैंने इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट डाली थी। तो चलिए, ये मैंने बासमती राइस ली हूँ, कम से कम मैंने 1 किलो गोश्त के लिए, एक और आधे हो क्या बोलते हैं, डेढ़ डेढ़ किलो मैंने राइस ली हूँ, थोड़ा राइस मैंने ज़्यादा ली हूँ, है ना। जैसे कि मैं बना रही हूँ, कम से कम 8 से 9 लोगों का खाना पका रही हूँ क्योंकि मेरे भाई भाभी भी आए हुए हैं ना, तो इसीलिए। तो चलिए, चावल को मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी, बीच बीच में चेक करते हाँ, और ये बीच बीच में हम जो मसाला जो हमारा गोल गल रहा है ना, मसाला भूनते भी रहेंगे और गोश्त को देखेंगे गला क्या नहीं गला, है ना। 20 से 25 मिनट में तो आराम से गोल गल जाएगा। तो ये मैंने कुछ काजू ली हूँ, काजू को मैंने दूध में भिगो के रखी थी 10 से 15 मिनट तक का। अभी इसका एक फाइन पेस्ट बना के लूँगी, ले लूँगी। तो मैंने कितना काजू ली थी, जैसे कि मैंने आधा वाटी काजू ली थी, है ना। तो ये काजू का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे पीसने के बाद में, है ना। तो ये हमें कभी डालना है, जैसे कि हमारा आधा गोल गल जाएगा ना, जैसे कि आप 10 से 15 मिनट बाद भी इसे डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये भी मैं आधा वाटी डाल रही हूँ। ओके, बराबर आती बराबर। तो चलिए, अभी इन सबको मिला के हम और 5-10 मिनट तक का पका लेते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि मसाला अच्छी तरह से भुने जाए और हमारा गोश्त गल जाए, है ना। अगर किसी की कुछ समझ में बात नहीं आएगी तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो ये चावल बॉईल होने के लिए मैंने 2 लीटर पानी गर्म के लिए रखी हूँ। पानी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़े से तेज पत्ते डाल देंगे और साबुत रखे गर्म मसाले, यानी जीरा, शाहजीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, है ना, ये सब हम डाल देंगे। बड़ी इलायची भी डाल देना, याद से भूलना मत। तो इधर पे देखिए, मेरा देखिए गोश्त एकदम मस्के के जैसे गल गया था, देखिए नली में से गोश्त अलग हो गया, एकदम मस्के के जैसा गोश्त गला था। और हम लोग क्या ना ज़्यादा गला हुआ गोश्त खाते हैं, थोड़ा ऐसा सख्त रहेगा तो जल्दी नहीं खाते। तो चावल भी भीग के हो चुका है, चावल के अंदर का पूरा पानी निकाल लेंगे और ये चावल हम इसमें डाल देंगे, है ना। चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ आधा ही पकाना है। जैसे कि आप हाथों से ऐसे तोड़ के देखिए, जैसे कि चावल अगर 2 टुकड़ा हो गया तो समझ जाना कि ये चावल पक गया है, बाकी चावल हम दम पे पका लेंगे। और जैसे कि 5 मिनट भी 10 मिनट तक आप इसे पका लीजिए, हाँ 10 मिनट में फटक से बॉईल हो जाता है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिए 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्ची आप डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से डालिए, हाँ। आप जितने लोग का बना रहे वो हिसाब से, वही हिसाब से डालिए। और नमक भी आप, जैसे कि मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाली हूँ, नमक आप चक्के भी डाल सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे 2 बूंद केवड़ा एसेंट, बराबर। आज मैं काफ़ी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ बराबर से, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, बीच बीच में चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए ये एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए नली में से गोश्त एकदम अलग हो चुका है, यानी गोश्त एकदम अच्छे से गल चुका है हमारा। अभी ये गैस को बंद कर देंगे हम, है ना। अभी चावल जब जैसी बॉयल हो जाएगा वैसे हम चावल को निताल लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी लहर कैसे लगाते हैं, है ना। हम लोग लहर बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं सब लोग क्या बता। तो ये देखिए चावल में अच्छी तरह से उबाल आ गया, तो तुम्हारे भाई को मैंने बोली थोड़ा टोप पकड़ के छान लो। तो एक छन्नी की मदद से सारा पानी हम निकाल लेंगे। अगर आप ये पानी को पीना चाहते हैं या कोई बच्चे को भी पिलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये एक गंजी जैसा होता है पानी, है ना। तो चलिए, अभी चावल को हम सारा पानी निकाल लेंगे, एक साइड में इसे रख देंगे। इसमें हम कलर वगैरह कुछ भी नहीं डालते, इसमें सिर्फ दूध का इस्तेमाल होता है और केसर का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए सारा पानी मेरे बर्तन पे गिरा हुआ है। तो फिर से एक टोप ले लेंगे, ये वही टोप है जिसमें मैंने चावल बॉईल की थी। इसमें डालेंगे हल्का सा तेल, यानी 2 चम्मच, और ये सारा चावल
आधा चावल हम नीचे डाल देंगे पहले और चारों बाजू फैला लेंगे। अभी इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे, है ना, जो हमने मसाला बना के रखे थे वो सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल लेंगे। ध्यान से डालिए और अच्छे से डालिए, आधा पहले डालिए, फिर उसके ऊपर फिर चावल डालना है, फिर उसके ऊपर फिर मसाला डालना है, फिर उसके ऊपर फिर चावल डालना है ना, बराबर समझ में आई बात? हाँ। समझ में आ गई। अभी ऊपर से डाल देंगे बिरिस्ता और ये जो मसाला मैंने आपको बनाना बताई थी ना वो वाला मसाला भी हम ऊपर से डालेंगे। आसिफ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ना आसिफ? नहीं नहीं बराबर। अभी ये डालने के बाद में फिर हम ऊपर से चावल डालेंगे। इसे बोलते हैं कोई लहर वाली बिरयानी बोलते हैं। हाँ, लहर वाली बिरयानी बोलते हैं, है ना। मेरे बोलने से ज्यादा आप लोग मेरी रेसिपी देखकर ही समझ जाएंगे कि आपा कैसे कैसे बना रहे हैं ना। तो फिर हमने चावल डाले, फिर मसाला डाले, हो गया। अभी मसाला सब खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा चावल बचा है ये मैं ऊपर से डाल दूंगी, है ना। कम मसाले में ये बिरयानी बनती है, मसाला कम है मगर आपकी आपा की बातें ज्यादा है। ऊपर से डाल लेंगे 1 कप दूध और ये जो मसाला हमने बना के रखे थे वो मसाला भी हम ऊपर से डालेंगे, हो गया। अभी ऊपर से डालेंगे बिरिस्ता। बिरिस्ता कैसे बनाना है ये भी आईडी में मौजूद है, चैनल में अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा। हाँ, डिप्रेशन में डाल देगा। अभी ऊपर से डालेंगे तेल, आप तेल की जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त में भी ज़्यादा चिकनाहट थी इसलिए। अभी ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा केसर, तो मेरे पास थोड़ा सा ही केसर था ना, मैं पूरा डाल के ख़त्म कर दी, नहीं बाटली लेके आने का। अभी ऊपर से मैं डाल दूंगी ये काजू है, ये काजू को मैंने घी में फ्राई करके रखी थी, वो काजू मैं डाल दूंगी। 15 से 20 काजू। हाँ, 15 से 20 काजू थोड़े से, है ना। अभी हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक कटिंग करके हम ऊपर से डाल देंगे। और लगता मैं घी रखी हूँ ना साइड में, वो भी मैं इसमें डालूंगी ऐसा लग रहा है। डालेंगे, है ना, जिसमें मैंने काजू फ्राई करी थी वो घी को भी मैं डाल लूंगी थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच के लगभग, 2 चम्मच के लगभग आप घी में काजू को फ्राई कर लीजिए और वो काजू भी डालिए, वो घी भी डाल दीजिए, बराबर। अभी इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट तक का दम देना है क्योंकि हमारा गोश्त भी गला हुआ है, चावल भी पका हुआ है, हाँ। है ना, 10 मिनट हम इसे दम देंगे, उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। और दम देने के समय आप इसे एकदम स्लो गैस पे दम दीजिए, एकदम मीडियम गैस पे। तो चलिए, माशाल्लाह हमारी बिरयानी हो चुकी है, ये देखिए सूफियानी बिरयानी हो चुकी है, माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन बनी है, एक एक दाना अलग अलग हो रहा है, ये देखिए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, और इतनी टेस्टी बनी थी ना ये बिरयानी, काफी काफी मस्त बनी थी, बहुत अच्छी, सब तारीफ कर रहे थे। घर में मेरे भाई लोग भाभी आए थे, मेरा भाई तो बोल रहा था मेरे को बांध के दे, मैं लेके जाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी मस्त दिख रही है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, कमेंट बॉक्स में बताना कि रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक ब्लॉग के साथ में आ जाओ खाने के लिए।